तो हेलो दोस्तों, अगर आपके पास भी दो मॉनिटर हैं और आप उसे एक ही सीपीयू से कनेक्ट करके चलाना चाहते हैं तो वो आप बहुत इजीली चला सकते हैं। पर कुछ लोगों को ये लगता है कि बिना ग्राफिक कार्ड के दो मॉनिटर एक सीपीयू से कनेक्ट नहीं होते। तो दोस्तों, बिना ग्राफिक कार्ड के भी बहुत ही इजी तरीके से आप दो मॉनिटर को एक सीपीयू के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, बहुत ही इजी तरीका है, पता नहीं आप लोगों को इतना हार्ड क्यों लगता है। अब कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको अपने सीपीयू कैबिनेट के पीछे दो पोर्ट मिल जाते हैं, ऊपर वेगा केबल और नीचे वाला HDMI केबल। तो आपको पहले मॉनिटर को कनेक्ट कर लेना है अपनी वेगा केबल से और दूसरे मॉनिटर को कनेक्ट कर लेना है अपनी HDMI केबल से। और केबल को मॉनिटर में कनेक्ट करने के बाद में आपको केबल के दूसरे पार्ट को कनेक्ट करना है अपने सीपीयू में पीछे की तरफ। और दोस्तों, जब आप दोनों केबल कनेक्ट करके अपना पीसी ऑन करोगे तो आपको एक विंडो तो बंद दिखाई देगी और एक चालू दिखाई देगी। तो आपको अपने सिंपली कीबोर्ड के ऊपर विंडो प्लस पी क्लिक कर देना है। विंडो प्लस पी को प्रेस करने के बाद में आपको अपनी डेस्कटॉप के ऊपर ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, आपको सिंपली एक्सटेंड के ऊपर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप एक्सटेंड के ऊपर क्लिक करोगे, आपकी दोनों स्क्रीन वर्क करने लग जाएगी। और दोस्तों, आप दोनों स्क्रीन के ऊपर सेम वर्क करना चाहते हैं तो सिंपली आपको प्रेस करना है विंडो प्लस पी और सिंपली आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा डुप्लीकेट, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है और आपकी दोनों स्क्रीन के ऊपर सेम वर्क होगा। और दोस्तों, बहुत से लोगों को ये भी लगता है कि हमें ड्यूअल मॉनिटर चलाने के लिए हमें दोनों मॉनिटर सेम कंपनी के चाहिए, सेम साइज के चाहिए। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। मेरे पास खुद के पास एक बैंक्यू का मॉनिटर है और दूसरा एसर कंपनी का मॉनिटर है और आपके सामने वो दोनों ही वर्क कर रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो से कुछ हेल्प नहीं हो तो वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट करके बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। मैं मिलता हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में।